मेरा देश यही मेरा परिवार है। 140 करोड़ भारतवासी यही मेरा परिवार है। मेरा भारत मेरा परिवार। नमस्कार दोस्तों, मैं बाजिम सुक्री और आप देख रहे वीके ब्लॉग्स। तो दोस्तों, इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसे फैमिली से मिलवाने जा रहा हूं जो इस दुनिया में सिर्फ एक ही फैमिली है और वो फैमिली में सिर्फ 6 मेंबर है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अखिलू, ये अखिलू का दादू। वीडियो के माध्यम से जो देखेगा वो कंफ्यूज नहीं होते, खमराए और मिशमी टाइप का है, बल्कि अपना मिशमी भी नहीं जानता है। दो फैमिली जो ये थुवांग विलेज। तो दोस्तों, अभी मैं पहुंचा हूं ये थुवांग बस्ती में। ये आप देख सकते हैं, ये है थुवांग बस्ती। ये जो आपको जो दिखाई दे रहा है, ज़्यादा घर नहीं है, ये इधर एक दिखाई दे रहा है और नीचे साइड में है। तो यहाँ में ये थुवांग बस्ती जो है, सिसोंग आदमी बैठ रहा है। तो यहाँ सिसोंग का बारे में जानने के लिए हम ये उस पार में, ये उधर में जो वो ऊपर एक घर दिखाई दे रहे हो, ये सुनने में आया कि वो गांवभरा का घर है। तो हम गांवभरा से जानेंगे सिसोंग के बारे में। मेरा नाम है क्रिजन सिसोंग और ये मेरा पिताजी है सोए सिसोंग और मिजू मिशमी से हम बिलोंग करता है। हम लोग का क्लैन का नाम है सिसोंग ना। तो हम लोग जो जितना भी हम लोग का क्लैन है, जो सिसोंग है, वो बस हम लोग को यहाँ में थुवांग विलेज में मिलेगा आप लोग को, अंडर वाक्रो सर्कल लोहित डिस्ट्रिक्ट। जो हम लोग का जो पहले माइग्रेशन था, हम लोग का जो पहला गाँव था, वो ग्लव लेक में था। ग्लव बस्ती से जाना जाता था। वहाँ से हम लोग यहाँ पे 1981 में माइग्रेशन हुआ है। वहाँ से आके हम लोग एक दो साल जो कथान में रहा है, उसके बाद वहाँ से आके हम लोग ये थुवांग बस्ती जो खुला है। और थुवांग बस्ती को बहुत लोग 24 का नाम से जानता है। जितना भी लोग है तो सब लोग 24 ही बोलते हैं, ऑलमोस्ट जितना आदमी है। उसके बाद हम लोग का पॉपुलेशन लगभग 30 to 40 होगा। और हम लोग का यहाँ में जो हम लोग का क्लैन बसा है, तो 7-8 घर है यहाँ में हम लोग का। उसके बाद तो हम लोग का इतना भी यूथ्स तो नहीं है, जो एक दो तो है, सब पढ़ाई में लगा हुआ है अभी। तो जैसे कि आपका सिसोंग टाइटल है, तो आपका तो सिसोंग जो है कॉमन नहीं है, हर कोई नहीं जानते, इवन मिशमी भी नहीं जानते हैं सब मिशमी लोग। तो आपको अभी ऐसे फेस हुआ है कहीं ऑफिस में या स्कूल में कि सिसोंग जो है क्या ट्राइब में आता है, बल्कि किसी ने से पूछा है? अब बहुत जगह में हम लोग को ऐसे पूछने वाला आदमी मिलता है। कभी नया फ्रेंड सर्कल बनता है तो वहाँ पे हम लोग को पूछने वाला मिलता है, कौन सा ट्राइब से बिलोंग करता है आप, कौन सा जगह का है। तो बहुत लोग नहीं जानता है कि ये हम लोग एक मिशमी ट्राइब का है, बल्कि अपना मिशमी भी नहीं जानता है। तो बहुत लोग जो बाहर का लोग है, वो लोग पूछता है, ऐसे सवाल बहुत उठता है। तो दोस्तों, अभी थुवांग बस्ती से अभी मुझे कठान जाना है, और कठान में और एक है जिसको हम अभी तक ऐसे टाइटल को आदमी को नहीं मिला हूँ। वो टाइटल है सिलोंग। सिलोंग टाइटल एक कथान में रहता है, सुनने में आया है। तो ये थुवांग बस्ती से कथान जो यहाँ से जाता है अंदर, आगे यहाँ से करीब 17-18 किलोमीटर है बोल रहा है। तो मिलते हैं फिर कथान में। तो दोस्तों, ये कथान के रास्ते में मुझे एक बहुत बड़ा एक तो हाथी मिला, खाना खा रहा है। तो अभी तो मैं कथान नहीं पहुंचा हूँ, अभी भी और लगेगा एक घंटा जैसा। तो अभी मैं कठान में हूँ। कठान जो बहुत ही इंटीरियर जगह है, जो वाक्रो सर्कल के अंदर में पड़ता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो यहाँ में जो दो घर दिखाई दे रहा है, यहाँ एक और इस साइड में एक आगे में, ये है शिलोंग का घर है। तो मैं शिलोंग आदमी को यहाँ में मिलूँगा, इससे बात करना कोशिश करूँगा। अभी कठान में ये छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं, ये स्कूल जाके आए लोग। नाम बताओ, जो नाम क्या है? हाँ, ये क्या है? कलम पूरा ये, हाँ, ये कथान में ना क्लास में है तुम? क्लास टू। तो नाम क्या है? सनिया। क्या है? हलाई। और जो नाम क्या है? रस्तम। रस्तम क्या है? सिलोंग। किताब कहाँ है तेरा? हम यहाँ में नहीं पढ़ रहा है। कहाँ पढ़ रहा है? लेने के लिए गया था। अच्छा, तुम कितना क्लास में पढ़ रहा है? 5। 5 में। पापा का नाम क्या है? प्रेशा शिलोंग। प्रेशा शिलोंग, अच्छा। और शिलोंग कौन है यहाँ में? कोई नहीं, अब वो है। कौन? ये शिलोंग। नाम क्या है बता? अलीशा शिलोंग। कितना क्लास में? 4। 4 में। और ये कौन है?
ये भी शिलोंग है। नाम बता, चले नाम बता। हाँ हाँ, क्या बोला है? अखिलू। अखिलू, ये अखिलू का दादू। किलो शिलोंग। और कौन है, और कौन है? और नाम क्या है इसका? हाँ, केसिंग। अच्छा, केसिंग आता हूँ। और ये तो बहुत बदमाश होगा। ओ ये देखो चेहरा में। हाँ, और ये कौन है? ये अनिलो। फिस्की नाम है इसका। फिस्की। अच्छा, सब सामने खड़ा करो, सब साथ में खड़ा। ये पीछे वाला इधर आगे ला। हाँ, नहीं मान रहा है। अच्छा से पढ़ाई करो, ठीक है? हाँ, ओके, बाय बाय करो। तो दोस्तों, जैसे कि आप देखते हैं, जो मेरे पीछे जो बच्चे हैं, चार, यहाँ में तीन लड़की, तीन बच्चा जो शिलोंग है वो मिला है, एक लड़का है और दो लड़की है। เป๊ะชาชิลองอ่ะชิลองลามฮาชาวตายอยู่นะกินเกมรงซะนิ่มเจ้าซะรังว่าซุนะจะมีกินซัมจะซะจะไม่ปรุงลามปรุงปะลามปะจะมีกินหักซัมหาจะซอจ้องตะกุงลิงว่าซะลามนั้นประชาได้ชาวตายอยู่อ่าพาสวนไว้หนุ่มชาวตายอยู่ประชาชาวตายอยู่พังโกกังขายชาวปุยกระจังอันนี้ปุ่นนะโหละ तो दोस्तों, ये इसने बताया, ये शिलोंग जाति का ये सबसे सीनियर है और ये गुखान है। तो इन्होंने बताया कि शिलोंग जो है कभी ख़त्म भी नहीं होता और ज़्यादा भी नहीं बढ़ता है। मैंने ना अभी भी इन लोग का फैमिली में सिर्फ तीन ही भाई है बोला है, और पहले से ऐसे ही चलते आया है, इन्होंने ऐसे बताया। तो चमिक सब ले सावन शावन चाहता वे सावन तो सावन कमो कमला ने और दोस्तों, अभी भी ये तीन भाई में से एक अभी तक शादी नहीं किया है, और एक का जो है तीन बेटी है, और इसका जो है एक दो बेटा है और तीन बेटी है। तो दोस्तों, अभी मैं कथान में सिसोंग और शिलोंग दोनों टाइटल का अभी मैं मिल के बात करके फिर वापस अभी मैं वहाँ से रिटर्न जा रहा हूँ। और रास्ते में बहुत ही नींद लग रहा था, रास्ते बहुत ही ख़राब था, तो पानी बारिश भी दे रहा था, तो मैंने यहाँ थोड़ा फ्रेश किया। फिर यहाँ से फिर वाकरो, जहाँ मुझे वाकरो पहुँचना है, यहाँ से फिर काफ़ी बहुत दूर है, कम से कम दो घंटा ऐसा लग जाता है। फिर चलाते चलाते बहुत नींद लग रहा था। नमस्कार, मेरा नाम रितांशु खमराय है। तो बेसिकली हम अभी एट प्रेजेंट हम वाकरो का रहने वाला है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा हम लोग का जो क्लान के बारे में जो डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए आया है उसके बारे में हम कुछ बताना चाहेगा। तो वैसे हम लोग का जो क्लान है खमराय, तो वो खमराय के साथ में बहुत कंफ्यूजिंग होता है। ऑफन जब हम कॉलेज में था समय को भी वो लोग पूछने से आपका नाम क्या है, हम खमराय टाइटल खमराय बताने से वो लोग बोलते हैं कि खमराय लिख देता है, तो ऑफन बहुत कन्फ्यूजिंग होता है। तो आप लोग को हम ये बताना चाहेंगे कि जो खमराय और खमलाय जो अलग अलग होता है स्पेलिंग का आपका, हम लोग खमराय में के एम बी आर ए आई लिखता है, फिर खमलाय बी एल ए आई। तो हम लोग का जो रूट है बेसिकली हम लोग ग्रीलैंड बस्ती जो अंजाव में है वहाँ से हम लोग आया है। हम लोग का जो फोर फादर, एक फोर फादर है वो जो वहाँ से आके ये जो ग्लो एरिया है, ये कमलंग रिवर का जो लेफ्ट बेल्ट तरफ में आया था हम लोग का जो फोर फादर है, वहाँ पे एक बस्ती है ब्रोंगलाट बोल के। तो वहाँ से मतलब हम लोग का जो पॉपुलेशन जो आगे बढ़ा है, तो फिर से वहाँ से जो ब्रोंगलाट बस्ती है वहाँ से हम लोग माइग्रेट होके ये जो तुआम बस्ती है जो ये लोही डिस्ट्रिक्ट का अंदर में आता है वहाँ पे आया है। तो फिर से हम लोग वहाँ से तुआम से माइग्रेट होके अभी वाकरो पे हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग का जो पॉपुलेशन है बहुत कम है, तो वाकरो में भी हम लोग का जो कन्फाइनमेंट है सिर्फ दो घर है। तो फिर से हम लोग का थुआंग बस्ती में दो घर हैं, सनपुरा में तीन घर है, नामगो में तीन घर है, अंजाव में एक घर है। तो ओवरऑल जो पॉपुलेशन है उसको मिला के भी हम लोग का जो पॉपुलेशन है एट दिस मोमेंट ओनली 50 का अंदर में ही आता है। तो ये बहुत कंसर्न है कि अभी धीरे धीरे हम लोग को भी डर है कि जो हम लोग का पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे करके ख़त्म होते जा रहा है। तो ये राइट टाइम है कि हम लोग को भी थोड़ा अपना जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ाना चाहिए। और साथ ही साथ में हम जितना भी व्यूअर्स हैं ये आपको ये भी बता देगा कि मतलब
अभी से मतलब ये वीडियो के माध्यम से जो देखेगा वो लोग कन्फ्यूज नहीं होते, खमराए और खमला है, हम लोग अलग है, खमराए अलग है, खमलाए अलग है। थैंक यू। तो दोस्तों अभी मैं ये मराई घर में आया हूँ, मराई ये जो जाति है उसका घर में आया हूँ। तो अभी मराई से मिलने वाला हूँ बाप्रोह में, और साथ में ये भांजा ये भी आया है। तो ये है मराई, यहाँ घर का मालिक आ गया, तो इनसे बात करते हैं। नाम आपका नाम बता दीजिए सबसे पहले। मेरा नाम मुनिम समराय है और भैया का नाम करम समराय। हम लोग बैठा है बस्ती तो कथान में है। अच्छा, या मैं ऐसे बैठा है या मैं भी खड़े है। अच्छा, ये आप लोग यहाँ कितना साल से बैठा हुआ है? अभी हम लोग 20 साल ऊपर हो गया। अच्छा, अंजाव से आया है पहले ना, कहाँ से? अभी 25 साल हो गया अंजाव से आया। अंजाव से आया वाला। और मराई जो है कहाँ कहाँ बैठा हुआ है अभी? अभी एक भैया तो तेजो में बैठा है और अंजाव में 3-4 घर है। 3-4 घर में एक घर है और नवेल बस्ती में 3 घर है क्या? और आप लोग आपस में आना जाना करता है पूजा होने से, कुछ कुछ प्रोग्राम होने से? बिल्कुल, हम लोग क्यों नहीं जाएगा, इतना कम में पे नहीं जाएगा तो कहाँ होगा। एक घर का जिसे अंजाव से भी आता है यहाँ में वो लोग, आता है वो लोग तो पहले पहुँच जाता है, 10 दिन पहले पहुँच जाता है कुछ प्रॉब्लम होने से। अच्छा। हम लोग थोड़ा लेट हो जाता है 1-2 दिन फिर हम लोग तो जाने में, वो लोग आगे पहुँच जाता है वहाँ जा वो लोग। तो दोस्तों ये है दो फैमिली जो यहाँ में एक ही फैमिली है अभी तक, जहाँ तक हमने सर्वे किया है तो सुनाई दिया। और ये जितना बैठा हुआ है इनका फैमिली है, तो हम इनसे जानते हैं कि इसका कहानी ये कहाँ कहाँ से आया है और इन लोगों का नाम जानते हैं। और इसका नाम और तेरा नाम क्या है? रश्मिता। क्या बोला है? रश्मिता। रश्मिता। और वो छोटा का? हस्मिसुम। हाँ, हस्मिसुम। हस्मिसुम। और आपका नाम है? आप यहाँ यहाँ तो जुमले माई नाम नहीं होगा मदन सो दो ना सगला से लेने तो सगला से आया बोल रहे तो। और छगला में अभी आपका परिवार है ना नहीं है? परिवार छगला से तो परिवार तो नहीं है, अगले आया होगा माँ बाबा पिताजी लोग। अच्छा। और आपका पुशराम में रह गया होगा, पुशराम में कितना 5 साल ना कितना 2 साल ऐसा रहेगा होगा, पुशराम में जन्म हो गया हमें। अच्छा। और आपका भाई भैया पहले कौन कौन था, भाई कितना था? भाई भैया तो एक फुट था, एक फुट बड़ा वाला था, अभी गुजर गया। हाँ, गुजर गया, अभी हम लोग हैं। कोई देखो, ये देखो इतना बदमाश है। नाम अभी नाम बता, फिर से नाम बता, नाम क्या है? नाम क्या है? हस्मिता। हस्मिता, अरे नाम क्या है? रश्मिता। रश्मिता, कितना क्लास में बता? क्लास 3। स्कूल का नाम? सैनपुर स्कूल जाने का नाम। अच्छा, और ये कितना क्लास में बोला? एलकेजी। ये देखो मोबाइल मत पकड़ो हाँ। अच्छा, अस्मिता दो दो कैसे लिखते हैं, स्पेलिंग क्या है? DOH। DOH। अच्छा, अस्मिता दो ना। बदमाश मत करो तुम दोनों, हाँ सबसे पढ़ाई करो होगा। हेलो टाटा। टाटा बाय। तो दोस्तों लोहिरा अंजाव डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो मिसमी ट्राइब रहता है उसमें कितने सब क्लैंस है, उसको जानने के लिए जो मैंने 5-6 वीडियो का सीरीज़ बनाया हूँ वो सीरीज़ का ये मेरा लास्ट वीडियो है। तो दोस्तों जो मेरा अभी नेक्स्ट वीडियो आएगा वो उसमें तो दोस्तों लोहिरा अंजाव डिस्ट्रिक्ट। तो नमस्कार, मैं चंदन, और कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ। अरे
पास होता है। तो दोस्तों अभी मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इस टॉपिक के ऊपर में, उसमें मैं पूरा डिटेल बताने वाला हूँ कि मिसमी में कितने सब क्लाइंट्स है। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।